नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ मैं हूं दिव्यांशु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से बिहार आ गए हैं महज आठ दिनों में दूसरी बार पीएम बिहार दौरे पर आए हैं वह आज यानी 20 मई देर शाम कुछ देर पहले पटना पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत सुशील कुमार मोदी के आवास पर उनके परिजनों से मिलने के लिए निकल गए इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे सुशील मोदी के यहाँ जब पहुंचे पीएम मोदी तब की तस्वीरें सामने आई है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर पीएम मोदी पहुँचे हैं सुशील मोदी के घर पर परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है और सुशील मोदी के फोटो पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है उन्हें श्रद्धांजलि दी है पीएम ने और सीधे एयरपोर्ट से पीएम वहीं पर पहुँचे सुशील मोदी के घर राजेंद्र नगर स्थित उनका जो घर है वहीं पर पीएम मोदी पहुंचे उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे इसके अलावा पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद भी दिखे और सुशील मोदी के दोनों बेटों ने उनका पीएम का स्वागत किया और पीएम एम पहुँचे उनके घर पर और श्रद्धांजलि दिया उन्हें और उसके बाद सीधे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुँचे यहाँ करीब वरीय नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं पीएम पीएम के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय को सजाया गया पिछले एक सप्ताह से बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी के आगमन की तैयारी चल रही थी कार्यालय परिसर में दो दिन से गाड़ियों की पार्किंग पर रोक है इधर पीएम के कार्यक्रम को लेकर पटना के बेली रोड राजेंद्र नगर में कई जगह बैरिकेडिंग कर दी गई इस कारण कई इलाकों में जाम भी लग गया लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा बीजेपी कार्यालय से पीएम सीधे राजभवन जाएंगे पीएम के आगमन को देखते हुए बीजेपी कार्यालय में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है पीएम मोदी रात में राजभवन में ही विश्राम करेंगे पीएम के आगमन को लेकर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है वहीं मंगलवार को पीएम मोदी दो बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे सिवान के गोरिया कोठी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे इसके बाद पीएम पूर्वी चंपारण जाएंगे यहां पर वह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे इधर पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से हमला बोला है तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आप इस चुनाव में ग्यारहवीं बार बिहार आ रहे हैं आप हार के डर से भले ही हमें लाख गालियां दीजिए इस झुलसती गर्मी में जब तक आपके हृदय को ठंडक ना मिले तब तक इस चौंतीस साल के तेजस्वी पर निम्न स्तरीय निजी हमले करते रहें पर आपके आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे बिहार और प्यारी जनता के सवालों का जवाब भी अवश्य ही दीजिए बिहार एक आलाप कतई पसंद नहीं करता तेजस्वी यादव ने पूछा प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है कि आपने दस सालों में बिहार से जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा आप पूरा क्यों नहीं कर पाए क्यों आप अब अपने ही वादों पर कुछ नहीं बोलते हैं तो तेजस्वी ने हमला बोला है पीएम मोदी के पटना आगमन पर बिहार दौरे पर आज रात पीएम पटना में ही रुकेंगे राजभवन में वो विश्राम करेंगे सुशील मोदी से सीधे मिलने पहुंचे एयरपोर्ट से उसके बाद बीजेपी कार्यालय इस वक्त मौजूद है बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और उसके बाद वो राजभवन पहुँचेंगे विश्राम करेंगे तो फिलहाल के लिए इतना ही तमाम अपडेट्स देते रहेंगे बने रहें दर्श न्यूज के साथ